अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चटोरों का अड्डा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। और छोले भटूरे किसको नहीं पसंद होते हैं, मतलब अगर वो बहुत अच्छे तरीके से बने हों या बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के हों तो फिर हम तो डाइट से ज्यादा ही उसे खा लेते हैं। इसीलिए मैं एक परफेक्ट रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ छोले भटूरे की, और इसे आप बनाएंगे, इसको भी आप डाइट से ज्यादा ही खाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आपको देखने ही से ये लग रही होगी बहुत ही टेस्टी बनी है। भटूरे हमारे सारे भटूरे हमारे फूले थे और बहुत ही ऊपर की जो लेयर थी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी जो रेस्टोरेंट में होती है वो ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एक कप जो काबुली चना होता है उसे भिगो देना है और उसके बाद ओवरनाइट भिगो दीजिएगा। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो सुबह अच्छे से आप इसे धो लीजिएगा और उसके बाद कुकर में बॉईल करने के लिए ले लीजिएगा। सारे गरम मसाले दिखा देते हैं जिसके साथ हमें इसे बॉईल करना है। तो तेज पत्ते हैं, स्टार एनिस है, बड़ी इलायची है, दालचीनी की लकड़ी है, गोल मिर्च है और लौंग है। तेज पत्ते डाल दिए और स्टार एनिस के 3 ही पेटल्स डालेंगे क्योंकि इसकी स्मेल बहुत हार्ड होती है। और एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 आप गोल मिर्च डाल सकते हैं और 2 इंच का आप दालचीनी का जो लकड़ी है वो डाल सकते हैं। अब 1 टीस्पून आप नमक डालेंगे और ये जो चाय की पत्ती है ये मैंने एक छोटे से कॉटन के क्लॉथ पे ले ली थी। और आप इसको लेके अच्छे से पोटली बना लें या अगर आपके पास टी बैग है तो वो भी डाल सकते हैं। यूजुअली टी बैग घरों में अवेलेबल नहीं होता है तो आप ऐसे पोटली बना सकते हैं 1 चम्मच चाय की पत्ती से। और नमक डाल दिया मैंने और इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं जिसको बिना पानी डाले ही हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे पेस्ट बना के रख लिया है और हमें जो चीज़ का पेस्ट बनाना है वो है 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको महीन महीन काट लिया है और 8-7 हमने यहाँ पे ये ले लिए हैं लहसुन, उसको भी बिना पानी डाले ऐसा पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे जब तक मैंने दोनों पेस्ट बनाए हैं यहाँ 4 से 5 सीटियाँ लग गई थी और छोले हमारे बहुत अच्छे से गल चुके थे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे छोले गल गए हैं। अब हमें क्या कर लेना है, स्ट्रेनर की हेल्प से इसका जो पानी है वो हमें स्ट्रेन कर लेना है। और आप चाहें तो ये जो सब खड़े गरम मसाले हैं ना कुकर में इसको इसी टाइम पे आप निकाल भी सकते हैं। तो जैसे कि आपने चाय की पत्ती की पोटली हुई, तेज पत्ता हुआ, बड़ी इलायची हुई, लौंग छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे कढ़ाई एक ले लीजिएगा, उसमें आप डालिएगा 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून ही खड़ा ज़ीरा। तो ये जैसे ही क्रैकल होगा इसमें हम प्याज का पेस्ट डाल के भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए राउंड राउंड जैसे ही हमारे प्याज का पेस्ट हो जाएगा हम इसमें जो हमारा टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम इसमें डाल के भून लेंगे। जब तक वो धीमी आंच पर भून रहा है तेल आ रहा है सरफेस पे। यहाँ पे मसाले देख लिए, 1 टीस्पून है जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर और यहाँ पे मैंने मिर्च इसलिए कम ली है क्योंकि हमने गोल मिर्च भी डाली है और ग्रीन चिली का पेस्ट भी है टमाटर के साथ। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने आमचूर का पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। नमक मैंने छोलों में भी डाला था तो मसालों के लिए हमें सिर्फ 1/4 टीस्पून ही नमक लगेगा, बाकी आप चख के बाद में डाल सकते हैं। और ये है छोले मसाला जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के। तो अब जब आप देखेंगे कि तेल सरफेस पे आ चुका है तो ये सारे पाउडर मसाले आप इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिसमें नीचे जले नहीं और बहुत ही अच्छे से आप इसे चला चला के धीमी आंच पर भूनेंगे। जैसे ही पानी खुश्क होगा थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ऐसे आपको 3 से 4 बार करना है जिसमें आपके मसाले बहुत ही अच्छे से भून भी जाएं और इसकी सारी जितनी रॉ स्मेल है वो निकल जाए और तेल भी अच्छे से सरफेस पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसे भूनती जा रही थी, जैसे ही पानी खुश्क हो रहा था थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही थी और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे मसाले भून चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें छोलों के साथ इन मसालों को भूनना है और छोलों के साथ भी हमें 2 से 3 बार इसी तरीके से पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे भून लेंगे। ये
याद रहे कि मसाला जितने अच्छे से भुना होगा छोला आपका उतना टेस्टी बनेगा। तो बहुत ही अच्छे से टाइम लेके आप मसालों को भूनिएगा, छोले के साथ भी भूनिएगा, जिसमें छोलों में टेस्ट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ही कच्चा कच्चा मसाला मत भूनिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और मसाले को भूनिएगा। जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ हमारे मसाले अब अच्छे से भून चुके हैं, तेल अच्छे से सरफेस पे आ गया है, तो वो जो आपने स्टॉक रखा है जिसमें आपने चनों को बॉईल किया था पानी को, तो वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और अब आपको पानी कुछ भी नहीं डालना है, बस ये पानी डालना है, अच्छे से इसको मिक्स देना है और उसके बाद आपको इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक पका लेना है। क्योंकि छोले हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं, सिर्फ मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब करने हैं, तो अभी इसको हम ढक देते हैं और धीमी आंच पर हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये छोले हमारे कैसे बनकर तैयार हुए हैं। तो पहले तो मैंने खुले में एक बॉईल दे दिया, जैसे ही अच्छे से बॉईल आ गया मैंने इसे ढक दिया 10 मिनट के लिए। धीमी आंच पर पकाइएगा और फिर आप देखिएगा ये कैसा बनता है। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, पानी भी हमारा बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ये वाला गोल वाला जो चम्मच होता है सबके घर में ही होता है, इसे थोड़ा थोड़ा मैश कर लीजिएगा। तो इससे क्या है कि ग्रेवी आपकी थिक भी हो जाएगी। और मैश करने के बाद आप इसमें डाल दीजिएगा कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज, और उसके बाद आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फिर से ढक दीजिएगा और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तो छोले हमारे हो गए हैं रेडी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप भर के मैदा, जिसको मैंने विस्क कर लिया था। दही मैंने 3 टीस्पून लिया है, सोडा लिया है, नमक लिया है और ये मैंने एक्टिव यीस्ट लिया है, और जिसको मैं यहाँ पे शक्कर के घोल में मिक्स करूँगी। शक्कर मैंने 1/2 टीस्पून ही ली थी और थोड़ा सा पानी ले लिया है घोलने के लिए। तो 2 कप मैदे में हमें लगेगी 1/2 कप जो है सूजी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, अब हम इसको ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जा रहा है सोडा, जो कि जाएगा 1/4 टीस्पून, और यहाँ पे नमक जो कि जाएगा 1 टीस्पून, और आप अपने हिसाब से भी ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे डालेंगे। अब यहाँ पे चला गया 3 टीस्पून दही, और ये गई सूजी, 1/2 कप सूजी ये चली गई इसमें। अब बस इसी तरीके से बनाएंगे, आपका भी भटूरा बहुत ही अच्छा बनेगा और सारे भटूरे फूलेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। यीस्ट भी मैंने मिला लिया है, ये मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यीस्ट लिया था, इसको मैंने चीनी के साथ घोल लिया है अच्छे से। तो अब यहाँ पे जा रहा है 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, या 1 टेबल स्पून भी आप बोल सकते हैं। और अब यहाँ पे अच्छे से मैंने घोल लिया यीस्ट को, तो इसको भी मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। और ये सारी चीज़ें इसमें अब चली गई हैं, तो पहले तो हम जितना हो सकेगा सूखा इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आप चाहें तो इसे मिला सकते हैं। मैंने तो ठंडे ही पानी से गूंधा था। अगर बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, और जब ये अच्छे से आप गूंध लेंगे तो लास्ट में आपको एक तेल लेना है, 1 टीस्पून ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और इससे आप 1-2 बार इसको ऐसे गूंथ के और गीले कपड़े से ढक के रख दीजिएगा खमीर होने के लिए। जितना ज़्यादा खमीर पड़ेगा उतना ज़्यादा टेस्टी होगा। तो मैंने तो दिन में गूंदा था और मुझे डिनर में छोले भटूरे करने थे, तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आटा हमारा हो चुका है रात तक। एक बार हम इसे लोई बनाने से पहले, जो बॉल्स होती हैं उसे बनाने से पहले और पंचेस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक तरफ तेल हमारा गर्म हो रहा है, यहाँ पे हमने भटूरे बेल लिए हैं। और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे भटूरे मत बनाइएगा, और कोशिश करिएगा कि भटूरा इवन बेलिएगा, मोटा पतला होगा तो भी नहीं फूलेगा, इवन बेलिएगा, गरम तेल में डालिएगा। तेल गरम होगा तो ही आपके भटूरे का कलर भी अच्छा आएगा और भटूरे बहुत अच्छे से फूलेंगे भी। अगर तेल मीडियम हॉट होगा या कम गरम होगा तो आपके भटूरे जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरीके से अगर आपको नरम नरम फूले फूले भटूरे चाहिए तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। एक तो आपको पतले भटूरे बेलने होंगे, इवन बेलने होंगे, गरम तेल में इसे छानना होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भटूरे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और अब हम करेंगे इसको सर्व अपने छोलों के साथ।
तो इसी तरीके से हम सारे भटूरे बना लेंगे और उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने ऊपर से गार्निशिंग कर दी है। अगर आपको ये कम तेल वाले लग रहे हैं, आपको और तेल पसंद है, तो आप एक काम कर सकते हैं, दो हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के एक ज़रा सा 1 टीस्पून या 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल में हल्का सा गर्म करके वो आप ऊपर से डाल सकते हैं। टेस्ट भी इनहेंस हो जाएगा और आपके भटूरे भी थोड़े ऑयली ऑयली से हो जाएंगे। तो अब ये हो गए छोले भटूरे हमारे तैयार। देख के ही लग रहे हैं ना, बहुत टेम्पटिंग से। तो इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, पर इस मेजरमेंट से, इस टेक्निक से बनाएंगे तो आपके भटूरे बहुत अच्छे बन जाएंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद ज़रूर आई होगी। तो अगर आपको ये बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को याद से लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए जो भी इन छोले भटूरों को देख के आपके दिमाग में आ रहा हो, बेशक आप बता सकते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी। और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, जिसमें मैं अभी बहुत सारी वेज रेसिपीज लाने वाली हूँ तो आपको नोटिफाई हो जाए। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।